पटना भर की सबसे सस्ती क्विड आपको दिखाएंगे भाई न्यू शेप में। इस शेप की 2020 मॉडल इस रेट में नहीं आता है। तो पेट्रोल प्लस सीएनजी का मतलब ये है कि किसी भी सूरत में सीएनजी 25 से आगे का ही माइलेज देगी, और मैं घटा के बता रहा हूँ। सही भाई, इस होली के त्यौहार में आप अपने घर पे लेकर जाइए एक 7 सीटर कार, वो भी अंडर लेस बजट, मतलब आप इससे बजट कम में क्या ही ढूंढेंगे भाई। मार्केट से हटके है ये अर्टिगा इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी आपको पेट्रोल ही अर्टिगा ऑफर करता है कहीं भी जाने पे, लेकिन लेकर आए हैं यहाँ पे डीजल वेरिएंट जो कि भाई माइलेज में बादशाह है। बोलेरो का वही बात है, परिचय देने की जरूरत है। रफ एंड टफ गाड़ी होती है। किसी भी कस्टमर को टाटा अगर पसंद करते हैं तो एक बार हमारे पास फोन जरूर आ जाता है कि आपके पास तो रहती है जी। आप भी जानते हैं कि आजकल डिजायर में डीजल थोड़ा लोगों के पास मुश्किल से मिल रहा है, क्या है कि जिनके पास है वो जल्दी बेच नहीं रहे। ये गाड़ी है 2021 की ऑल्टो 800 VXI। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से मैं आप लोगों का करना चाहता हूँ स्वागत अपने आज के इस वीडियो में। लेकर आ चुके हैं वाइट बोलेरो, आप लोग डिमांड कर रहे थे बोलेरो SLX पावर प्लस लेकर आए हैं। बाजू में देखिए 7 सीटर किंग अर्टिगा लेकर आए हैं, ऊपर से VDI वेरिएंट लेकर आए हैं। 7 सीटर में एक और आपको यहाँ पे गाड़ी दिख रही होगी। और एक चीज़ आपने माइंड किया है क्या, अगर आप छोड़ दीजिएगा उधर ट्रिबर को और इस वाले टियागो को, तो सारी गाड़ियाँ व्हाइट कलर की लेकर आए हैं। मतलब आप छोटी बड़ी जो भी गाड़ी आप देख रहे हैं ना, सारी गाड़ियाँ आपको व्हाइट कलर की दिखेगी। 7 सीटर भी दिखाएंगे भाई, उसके साथ साथ अगर आपको चाहिए सेडान में तो सेडान में आप लोगों की चाहिए थी डिजायर आ चुकी है, इसकी बात करेंगे। वैगन आर है, कमर्शियल गाड़ी भी दो आप देख रहे होंगे, सेलेरियो और ग्रैंड आइटन, और उसके बीच में आपको नई शेप की आपको दिख रही होगी दोस्तों, क्या दिख रही होगी, ऑल्टो। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पे क्विड है न्यू शेप की, पटना भर की सबसे सस्ती क्विड आपको दिखाएंगे भाई न्यू शेप में। इस शेप की 2020 मॉडल इस रेट में नहीं आता है। सारी चीज़ों की बात करेंगे, पीछे बोर्ड देख लीजिए महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, जो कि भाई 70 फीट बाईपास पे, जो बाईपास है आप पीछे देखिए, ये आपको रोड दिख रहा होगा, इस बाईपास के जस्ट बाजू में दोस्तों पड़ता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं यहाँ के ऑनर से, मिलते हैं विकास जैसे, और फिर पूरे डिटेल में उनसे बात करते हैं। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। एनडी मैक्स की सारी कलेक्शन आप लोगों के लिए भाई रेडी है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मिल लेते हैं यहाँ के ऑनर से, मतलब मिलते हैं विकास जैसे। सर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है। बिल्कुल सर, आज किस तरह का स्टॉक है अपने पास में? स्टॉक जैसा आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, कि स्टॉक इस बार 7 सीटर 5 सीटर डिजायर सब का मिला करके एक असॉर्टेड हम लोगों ने कलेक्शन लाने का प्रयास किया है, क्योंकि थोड़ा सा बोलेरो का लगन आने वाला है तो उसको लेकर के 7 सीटर का थोड़ा डिमांड ज़्यादा आ रहा था, तो इस बार हमने उन भाइयों की भी रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश की। सही बात है। और भाई इस बार जो मतलब कलर भी आपको देखने को मिला है ज़्यादातर, सर अपने पास व्हाइट कलर में गाड़ियाँ हैं इस कलेक्शन में, गाड़ियाँ और बहुत हैं, लेकिन इस कलेक्शन में जो हम लोगों ने गाड़ियाँ रखने का है कि थोड़ा सा लाल पीला हरा नीला से कम करते हुए व्हाइट का रेंज ज़्यादा रखा है। बहरहाल और भी कई ऑप्शंस हैं। सही बात है। तो आप देखेंगे भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक गाड़ियाँ आपको दिखाएंगे। स्टार्ट करेंगे 7 सीटर से, लगातार सर 3-3 7 सीटर है आज जी। स्टार्ट करेंगे ट्राइबर, ये 2020 की ट्रिबर है। अच्छा, जैसा आप देख पा रहे हैं पटना से रजिस्टर्ड है, और अभी तक हमने इस कलर की ट्रिबर मतलब मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा बेची है। 10 से ज्यादा बेची जी। अच्छा। और हर बार यही ब्लू कलर हमारे पास रहता है। ठीक है, तो कहने कारण है उसका कि इस कलर में ये गाड़ी इतनी अच्छी लगती है, जैसे कुछ गाड़ियों का अपना एक कलर में खिलती है गाड़ियाँ। सही बात। जैसे जनरली आप देखिएगा, एक छोटी सी बात मैं ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ, लाल कलर में नई वाली स्विफ्ट जितनी जचती है उतनी कोई गाड़ी नहीं जचती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी पे शायद लाल कलर उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो ट्रिबर है ये ब्लू कलर में जो जचती है वो देखने की चीज है। सही बात है। तो सर ये है अपना पटना नंबर, आप देख पा रहे हैं भाई ब्लू कलर में रेनॉल्ट की ट्रिबर, ट्राइबर जो बोलना है बोल लीजिए, टायर की कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। रही बात अगर इसके इंटीरियर की, वो भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। इसमें आपको टच स्क्रीन रेल सिस्टम मिलता है, एयरबैग मिल जाता है, सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका इंटीरियर की बातचीत हमने आपको बता दी, दिखा दी गाड़ी को अच्छे से। अब 7 सीटर है तो लोगों के जहन में भाई एक ख्याल जरूर आता है कि कम से कम 7.5-7.5 की मिलेगी, लेकिन वो भाई होता होगा, जहाँ होता होगा वहाँ से मत लीजिए। सर 7 सीटर 20 मॉडल कितने में चढ़ाएंगे भाइयों को?
अब आपके लिए इतना प्यारा प्राइस आपके दर्शकों के लिए 6,40,000 में इस कंडीशन की सर्टिफाइड गाड़ी आपके लिए हम लेके आए हैं। आइए, वो भी नहीं हो कुछ 1.25 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी फाइनेंस हो जाएगा और इस होली में पूरे परिवार के साथ इस गाड़ी का मजा उठाइए। सही बात है भाई, इस होली के त्यौहार में आप अपने घर पे लेकर जाइए एक 7 सीटर कार, वो भी अंडर लेस बजट, मतलब आप इससे बजट कम में क्या ही ढूंढेंगे भाई। 6,40,000 में दे रहे हैं 7 सीटर 20 की गाड़ी। अब आपको चाहिए कि भैया पेट्रोल नहीं चाहिए, डीजल चाहिए, रिनॉल्ट नहीं चाहिए, मारुति चाहिए, सर अपने पास अर्टिगा भी है स्टॉक में। अर्टिगा भी है, देखिए दोनों करीब करीब 7 सीटर हैं, एक ही शेप की गाड़ी भी है। अंतर सिर्फ इतना होता है ये मारुति की है, ये रेनॉल्ट की है, अंतर और भी कई हैं। काहे कि ये थोड़ा सा कमर्शियल यूज़ में भी भाई लोगों को यूज़ करना होता है तो उनके लिए भी है। बहरहाल अर्टिगा का परिचय देने की मेरी ज़रूरत नहीं है, सारे लोग जो भी मारुति के लवर हैं, जो अर्टिगा रखना चाहते हैं, उस गाड़ी के बारे में खुद ही जानते हैं और मेरे से कहीं ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल, तो ये बहरहाल 2017 की अर्टिगा VDI है, जैसा आप देख पा रहे हैं नालंदा से रजिस्टर्ड है गाड़ी, एकदम वैसे ही बेहतरीन कंडीशन में है। और सबसे बड़ी बात, जो भी हमसे जुड़े हैं कस्टमर दर्शक, वो जानते हैं कि एनडी मैक्स में इसी तरह की गाड़ियां होती हैं और एनडी मैक्स इसी चीज़ के लिए मशहूर है। सही बात है सर, चला कितना होगा अंदाजा लिए? ये चली हुई है कुछ आपको 40,000 के आसपास। 40,000 के आसपास में चला है और मार्केट से हटके है ये अर्टिगा, इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी आपको पेट्रोल ही अर्टिगा ऑफर करता है कहीं भी जाने पे, लेकिन लेकर आए हैं यहाँ पे डीजल वेरिएंट, जो कि भाई माइलेज में बादशाह है। इसके आगे 7 सीटर में कोई गाड़ी माइलेज नहीं दे सकती है भाई, डीजल वेरिएंट। टायर की कंडीशन की बात करें दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, ये इसका साइड प्रोफाइल रहने वाला है। और सर ये जो है अपना नालंदा का नंबर है जी। बिल्कुल सर, डीजल में अर्टिगा, प्राइस बताइए हमें। अब इसके लिए मैं क्या बताऊँ, फिर वही बात, एकदम बेहतरीन प्राइस 6,75,000। 6,75,000 में आप 17 की डीजल वेरिएंट आप अर्टिगा लेकर जा सकते हैं भाई। इसका इंटीरियर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप चेक कर सकते हो भाई, ये इसका इंटीरियर है। इसमें आपको एयरबैग मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, ब्लूटूथ उसमें मिल ही जाता है भाई। आप पीछे से भी गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। तो जिनको चाहिए भाई कि हमें डीजल में दिला दीजिए भैया अर्टिगा, मुझे लगता है भाई अभी के टाइम में 17 मॉडल में यही एक सिंगल पीस लगा हुआ है, तो अगर आपको लेना होगा एनडी मैक्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिया हुआ है दोस्तों। सर आगे आते हैं, बोलेरो दिखा रहे हैं, बहुत समय बाद दिखा रहे हैं हम लोग, बोलेरो SLX जी, पावर प्लस SLX 2017 का मॉडल है। और ये गाड़ी मतलब ऑफ द रोड की तो बादशाह है और बोलेरो का वही बात है, परिचय देने की जरूरत है। सर रफ एंड टफ गाड़ी होती है और माइलेज से लेकर के मेंटेनेंस जो इस गाड़ी में है, खासकर कमर्शियल यूज में अगर चलना है गाँव में इसके, तो इसके लिए गाड़ी तो खैर बेहतरीन होती है। सही बात है। तो सर ये है BR43 मधेपुरा रजिस्ट्रेशन 2018 या 17? 17 मॉडल SLX पावर प्लस। अब प्राइस हो जाए बढ़िया सा इसके लिए, प्राइस 6,45,000 इस क्वालिटी की गाड़ी के। बहुत बढ़िया, तो भाई 6,45,000 में आप लेकर जा सकते हैं बोलेरो। और सर अगर उनके पास उतने नहीं है तो? बिल्कुल 1 से 1.5 लाख के बीच में आप कोई भी गाड़ी, किसी भी गाड़ी के लिए आप लेकर के आइए, हमारे पास फिनांस की सुविधा है, हम आपका फिनांस करवा देंगे। सर जो छोटी मोटी होती है वो आप भी जानते हैं कि सिविल बढ़िया होना चाहिए, कुछ जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए, बाकी हम सब कुछ हो जाएगा यहाँ से। आगे आ जाते हैं, अब टाटा की ब्रांड से गाड़ी दिखा रहे हैं। टाटा आप अपने भाई कोई भी वीडियो उठाइएगा यहाँ से, टाटा की सर एक आधा गाड़ी जरूर होती है अपने पास। बिल्कुल, और अब तो ऐसे ऐसा बात है कि अब किसी भी कस्टमर को टाटा अगर पसंद करते हैं तो एक बार हमारे पास फोन जरूर आ जाता है कि आपके पास तो रहती है जी। सही बात है। तो सर टाटा टियागो कौन सा वेरिएंट है सर? ये 2018 की XZ है, मतलब टॉप एंड मॉडल जी, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। गाड़ी आप खुद देख रहे हैं बेहतरीन कंडीशन में है, पूर्णिया का रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, अभी अंकित जी अंदर भी दिखाएंगे आपको, तो खुद भी पता चलेगा कि गाड़ी कितनी बेहतरीन हालत में है, जिसके लिए एनडी मैक्स जाना जाता है। बिल्कुल भाई, तो एनडी मैक्स में अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, पहली चीज़ भाई सारी गाड़ियाँ आपको सर्टिफाइड होकर मिलती है, मतलब सारी गाड़ी पे एक सर्टिफाइड की भाई स्टिकर भी लगा रहता है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा में भाई वो सर्टिफाइड की जाती है। रही बात अगर इसके इंटीरियर की, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं भाई ये XZ वेरियंट आप देख रहे हैं टाटा टियागो की। जिनको टाटा टियागो चाहिए आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं, 24,000 किलोमीटर चला हुआ है। गाड़ी की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भाई हमने दे दिया, गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है दोस्तों। और ये है टाटा टियागो सर XZ वेरिएंट, पेट्रोल ही होगा। बिल्कुल, कीमत बताइए सर हमें। मात्र 4,40,000। 4,40,000, और थोड़ा बहुत जो ऐसा है ना कि बस RTO का जो ट्रांसफ़र का थोड़ा बहुत जो खर्च लगता है सारी गाड़ियों में, वो आपको एक अलग से देना पड़ेगा, एल्स
सर, लेकिन सब कुछ यहीं से होके मिलेगा? हाँ हाँ, करवाएंगे हम ही लोग, लेकिन जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो आपको देंगे। गाड़ी की कीमत 4,40,000। गाड़ी की कीमत है 4,40,000 भाई। बाकी ट्रांसफर वगैरह के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, यहीं से होके आपको मिल जाएगा। बस उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होंगे। आगे आते हैं, लेकर आए हैं न्यू शेप क्विड, लेकिन वादा है दोस्तों कि इस शेप में आपको नहीं मिलेगा क्विड, वो भी सर 2020 मॉडल। जी सर, डिटेल हो जाए एक बार। 2020 की क्विड है नए वाले शेप। अच्छा, तो नए वाले शेप में क्विड तो खैर आप देख लीजिए, इतनी छोटी सी स्पोर्टी मॉडल में लगती है बिल्कुल, कि देखने में भी खूबसूरत है, और जाहिर है 20 की गाड़ी है तो परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी ही है बिल्कुल। तो ये 2020 की क्विड है, अंदर से एक बार अभी आपको अंकित जी दिखाएंगे, बाकी मुद्दे की बात पे हम लोग आते हैं। सही बात है भाई, बात कर लेंगे हम लोग प्राइस की, लेकिन आप पहले देख लीजिए, ये है नई वाली स्विफ्ट, माफ कीजिएगा नई वाली क्विड। और इसलिए आपको बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि जिस रेट में आपको मिलेगा ना, लोग पुराने वाली मॉडल बेचते हैं उस रेट में आपको नई वाली मॉडल आज आपको दिलाएंगे। पहले टायर की कंडीशन की बात करें आपको दिखा दे रहे हैं, रही बात अगर इसके इंटीरियर की, वो आपका अभी भाई दिखाएगा, आप देख सकते हो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको दो पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं, सीट कवर से लेकर मैट एवरीथिंग भाई आपको लगी हुई है, कुछ भी ले जाके लगाने की ज़रूरत है नहीं। और भाई ने वादा किया था कि भाई न्यू वाले क्विड जिस रेट में मिलेगा पूरे पटना ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। सर नई क्विड कितने में देंगे? मात्र 3,55,000। 3,55,000 में? चलिए भाई, तो अब ये रेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि 3,55,000 बता रहे तो सर तो रख देंगे कि कैश में ही लेना होगा, लोन करवा देंगे। बिल्कुल, लोन तो हर एक गाड़ी पे हो जाएगा। सही बात है, तो लोन भी करा देंगे दोस्तों, लेकिन आपको 3,55,000 में नई वाली शेप की क्विड मिली है, पटना नंबर व्हाइट कलर। आगे आते हैं सर, डिजायर लगा हुआ है। जी ये डिजायर VDI है। अच्छा, ये भी डीजल है? डीजल है, आप भी जानते हैं कि आजकल डिजायर में डीजल थोड़ा लोगों के पास मुश्किल से मिल रहा है, क्या है कि जिनके पास है वो जल्दी बेच नहीं रहे, बेचना नहीं चाह रहे। सही बात है, कारण क्या कि डिजायर वो भी डीजल में माइलेज का तो राजा है बिल्कुल। तो ये गाड़ी 2015 की है, जैसा आप देख पा रहे हैं भागलपुर से रजिस्टर्ड है, बेहतरीन हालत में है। अच्छा। एक बार आप अंदर दिखाइए फिर हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल भाई, उसके बाद आपको प्राइस भी बताएंगे, पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन है। फ्रंट स्टांस आप देख सकते हैं गाड़ी की भाई, आपको एक नंबर देखने को मिलता है, नंबर रहने वाला अपना बिहार के ही भागलपुर जिले का, मतलब BR10। साइड प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हो, टर्न इंडिकेटर यहाँ आ जाता है दोस्तों। दिखाते हैं अब आपको इसका इंटीरियर, और जो लोग भी ढूंढ रहे थे कि भैया 5,00,000 साढ़े 5,00,000 मुझे डिजायर के लिए नहीं लगाना है, डीजल दिला दीजिए, डिजायर तो आप देख सकते हैं। पहले आप गाड़ी की कंडीशन देखिए, और भाई ऐसे ओनर की गाड़ी जब देखते हैं ना तो मज़ा भी आता है, क्योंकि आप देखेंगे साफ सुथरे कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे, चारों पावर विंडो भी मिल जाता है। तो डिमांड आप लोग जो करते हैं कि भैया 5,00,000 के अंदर अगर डिजायर हो जाए डीजल में तो मज़ा आ जाए, सर क्या पॉसिबल है 5,00,000 के अंदर? 5,00,000 के अंदर बात करते हैं, मात्र 4,25,000 में गाड़ी लेके जाइए। और इस गाड़ी बेहतरीन गाड़ी, देखिए गाड़ियाँ बहुत लोग बेच रहे हैं, मिलती भी है, गाड़ी को कभी भी आप मॉडल से जज मत कीजिए, केवल मेरा आग्रह है बिल्कुल, इसलिए मॉडल से जज मत कीजिए, क्योंकि गाड़ी की क्वालिटी जो है गाड़ी के प्राइसिंग में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, लोग कहीं से कंपेयर करते हैं, हो सकता है मेरे प्राइस से वो एग्री हो डिसएग्री हो मुझे नहीं पता, लेकिन बिना देखे आप जजमेंट मत दीजिए गाड़ी पे कि वो कैसी होगी। सही बात, कई बार क्या होता है आप 21-22 की गाड़ी लें लेकिन वो इतनी चली हुई है, इतने रफ यूज में है कि खटारा हो चुकी है बिल्कुल। और कई बार पुरानी गाड़ी भी इतनी अच्छी होती है, बहरहाल हमारे की प्राइस भी सबसे रिजनेबल होता है, लेकिन फिर भी एक बार आप आए चला के देखें फिर आप जज करें। सही बात है भाई, तो आपको बता दिया गया है सारी चीज़ें भी कि मॉडल एक्चुअल में मैटर नहीं करता भाई, खटारा करने वाले साल भर में भी गाड़ी को खटारा कर देते हैं, और अच्छे से रखने वाले 15 साल में भी ठीक से ही रखते हैं। बिल्कुल सर, मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ लाइनअप में है, जैसे अभी हमने डिजायर दिखाया, अब दिखा रहे हैं वैगन आर। जी ये वैगन आर है 2018 की। अच्छा, और ऑटोमेटिक लवर्स के लिए हम फिर ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि एक हम लोग कोशिश करते हैं कि एक आध गाड़ी हमारे पास ऑटोमेटिक गियर में ज़रूर रहे, क्योंकि शहर के ट्रैफिक में जो लोग जूझते हैं वो खुद जानते हैं कि ऑटोमेटिक और जिन्होंने चलाया है अच्छा, कि वो क्या मज़ा देती है। बिल्कुल, तो ये 2018 की वैगन आर ऑटोमेटिक गियर में है, जैसा आप देख पा रहे हैं BR24 अपना भभुआ का रजिस्ट्रेशन है। अब मैं क्या बताऊं गाड़ी के बारे में, गाड़ी खुद ही बता रही है अपने बारे में। सही बात है, तो भाई व्हाइट कलर की वैगन आर 2018 मॉडल, किलोमीटर आपको पूछ के बता देंगे। उससे पहले थोड़ा सा चलिए गाड़ी की कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन में गाड़ी है दोस्तों। चारों पावर विंडो मिल जाएगा, ऑटोमेटिक गियर आपको नॉब वहाँ देखने को मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम आप देख रहे होंगे भाई जो कि आपको मिल रहा है यहाँ पे, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड ओरिजिनल लगे हुए हैं, सीट कवर स्टेयरिंग कवर भी भाई कंपनी से स्टिचिंग कराई हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। 18 की वैगन आर ऑटोमेटिक वेरियंट पेट्रोल आती है सर, चला कितना हुआ है ये? मात्र 33,000 के आसपास। ठीक है, आप कीमत हो जाए एक बार जी,
प्राइस क्या रखा गया सर? 3,95,000 बस आपके दर्शकों के। ठीक है, तो भाई 3,95,000 में आप लेकर जा सकते हैं 18 की वैगन आर, डेट टू ऑटोमेटिक वेरिएंट, और उसमें नहीं होंगे 1.25 लाख रुपए दे दीजिएगा, गाड़ी आपको मिल जाएगी लोन करा के। और थोड़ा बहुत जो आरटीओ का जो खर्चा रहता है जो मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल आरटीओ वर्क, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपको ले जाके करवाना होगा, यहीं से हो जाएगा, होगा तो यहीं से। बिल्कुल सर, कमर्शियल नंबर लेकर आ गए हैं सैलरी, लेकिन कमाने के लिए चाहिए होता है माइलेज, तो उसी का तो जवाब ये गाड़ी दे रही है, क्योंकि ये गाड़ी CNG में है, पेट्रोल प्लस CNG। अच्छा, तो पेट्रोल प्लस CNG का मतलब ये है कि किसी भी सूरत में CNG 25 से आगे का ही माइलेज देगी, और मैं घटा के बता रहा हूँ। सही बात है, निकालने वाले तो 30 के भी ऊपर निकाल देते हैं। सही बात तो है, तो ये कमाने के पर्पज से पीले नंबर प्लेट यानी कमर्शियल में गाड़ी जो है, आप मतलब मैं क्या बताऊं, ये उनके रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करती है। बिल्कुल सर, नंबर 2020 की सैलरी पेट्रोल प्लस CNG में, जैसा आप देख पा रहे हैं पटना से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आपने देख लिया भाई पटना नंबर, आपको किलोमीटर बता देंगे आखिरी में पूछ के, उससे पहले आप थोड़ी सी गाड़ी देख लीजिए, BR01 पटना रजिस्टर्ड है, व्हाइट कलर की सैलरी हो, जैसा सर ने बोला कि भाई माइलेज 25 के ऊपर निकालती है, भाई सही बात बता रहा हूँ, निकालने वाले वाकई में 30 के भी ऊपर निकालते हैं, अर्टिगा जैसी गाड़ी भाई आपको कभी माइलेज दे देती है 28-29 की। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, आप देख सकते हैं कमर्शियल में चलाना होगा दोस्तों तो बेस्ट है आपके लिए एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ, एयर बैग मिल ही जा रहा है, सीट वगैरह की कंडीशन देख लीजिए, ज़्यादा रफली यूज नहीं है, आप गाड़ी का इंटीरियर जब आके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, गाड़ी 2020 की लगी हुई है, पेट्रोल और CNG दोनों है गाड़ी में। सर मारुति सुजुकी की सैलरी, चला कितना हुआ है सर? मात्र 30,000 के आसपास चली हुई। अब बढ़िया सा एक प्राइस बता दीजिए कमाने वाले भाइयों के लिए। 3,95,000 इसका भी। चलिए भाई 3,95,000 में आपको सैलरी दे रहे हैं, 2020 का मॉडल दे रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि इसमें CNG लगा हुआ है, तो अलग से आपको ले जाके 40-50,000 नहीं खर्चने हैं, वो आपका लगा हुआ है किट। नई वाली सेफ की यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑल्टो BR22 सर, बेतिया रजिस्ट्रेशन, क्या डिटेल? ये गाड़ी है 2021 की ऑल्टो 800 VXI। अच्छा, और जैसा एंडीमैक्स जिस चीज़ के लिए मशहूर है अपनी क्वालिटी के लिए, आप अंदर से बाहर तक इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, कुछ गाड़ियों का भाई कंडीशन ऐसा रहता है कि जज कर पाना भी मुश्किल होता है कि सेकंड हैंड है कि ब्रांड न्यू है, आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की पूरी कंडीशन आपके सामने है, गाड़ी रहने वाला है 2021 का मॉडल, BR22 बेतिया रजिस्टर्ड है, मारुति अल्टो है भाई, मतलब इसको तो कोई भी परिभाषा या फिर कोई भी चीज़ की आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं। एयरबैग आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलता है, ABS, IBDV सब कुछ आपको देखने को मिलता है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड है, सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं, जिनका बजट कम है भाई, मतलब ऊंचा मॉडल भी चाहिए, 4.5 लाख रुपए नहीं लगाने हैं, उनके लिए ये तोहफा होगा सर, ये तो अंडर 4 लाख आने वाला है भाइयों के। बिल्कुल, ये गाड़ी हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं मात्र 3,75,000। 3,75,000 की आप इस कार को परचेस कर सकते हैं, 2021 का मॉडल रहने वाला है, और ऐसी बहुत सारी गाड़ी हमने आपको दिखाई है। एक और कमर्शियल नंबर गाड़ी आपको दिखाते हैं, पटना नंबर है सर, ग्रैंड आई टेन 2018 की। सेम पीसेस का मतलब ग्रैंड आई टेन 2018 की, इससे पहले हम लोगों ने कमर्शियल नंबर में 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ अभी तक हमारे यहाँ से गई हैं, और एकदम अच्छी गाड़ी खोज के हम लोग ला रहे हैं, बस इसी वजह से कि जो भाई थोड़ा कमाना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो, पेट्रोल है, CNG है, डीजल है, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ जैसे पेट्रोल CNG बताया 30 का माइलेज देती है, ये भी जो गाड़ी है ये माइलेज में सरताज है ग्रैंड आई टेन डीजल में, पेट्रोल में डेफिनेटली थोड़ा माइलेज कम है, लेकिन डीजल में ये कभी भी 20-22 का माइलेज निकाल के देती है, गिरी पड़ी भी हालत। बिल्कुल भाई, उतना तो माइलेज आपको निकाल के दे ही देता है, तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनको भाई भाड़े में गाड़ी अपनी चलानी है तो देख सकते हैं, ये कमर्शियल नंबर ग्रैंड आई टेन आपके लिए लेकर आए हैं, डीजल वेरियंट है, इंटीरियर आप इसका चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सीट कवर से लेकर हर एक चीज़ इसमें आपको इंटैक्ट मिलता है। आखिरी कार है आज की इस वीडियो का, चलिए भाई आपको पूछ के बताते हैं प्राइस, वाइट कलर की ग्रैंड आई टेन 2018 का मॉडल, डीजल वेरिएंट लगा हुआ है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ND Max में, अब प्राइस आपको बताते हैं सर, आखिरी गाड़ी है, अब एक प्राइस बताइए भाई वो। मात्र 3,50,000 आपके दर्शकों के लिए। चलिए भाई, तो 3.5 लाख रुपए लेकर आइएगा, 18 की ग्रैंड आई टेन लेकर जाइएगा, डीजल वेरिएंट है, और इनमें से अगर कोई भी गाड़ी पसंद आ रही है, लेना चाह रहे हैं, एड्रेस जानना चाह रहे हैं, सर बता देंगे अभी, सर किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं? बहुत आसान सा एड्रेस है जी, आप पटना में कहीं से भी घुस रहे हो तो आपको बाईपास पे आना होता है, सही बात है। तो ये पटना के नए बाईपास पे, अगर आप गांधी सेतु की तरफ से आ रहे हैं यानी पूरब की तरफ से आ रहे हैं, तो एक 70 फीट रोड करके चौराहा आएगा सिपारा पुल से आगे, उससे करीब
100 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो बाएं हाथ में आपको ये बोर्ड और ये गाड़ियां दिख जाएंगी। बिल्कुल। अगर आप बेऊर के साइड से आ रहे हैं तो करीब बेऊर मोड़ से आप जब 3 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो दाहिने साइड में 70 फीट चौराहा से थोड़ा सा पहले वापस आपके दाहिने हाथ पे ये गाड़ियां और बोर्ड दिख जाएगा। बिल्कुल। और उन सबसे आसान है कि बस एक कॉल कीजिए। बिल्कुल। हमारी पूरी टीम आप तक पहुंचने के लिए बेताब है। सर ऑफिस हर दिन खुलता है? हाँ बिल्कुल, ऑफिस हमारा 7 दिन खुलता है। वर्किंग आवर जो हर एक ऑफिसेज के होते हैं 10 से लेकर के 6-7 बजे तक हम लोग रहते हैं। चलिए भाई, तो इसको लेकर अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस दिन आए किस दिन नहीं आए। शोरूम हर दिन इनका खुला रहता है, गाड़ियाँ हर दिन भाई आपके लिए यहाँ पे लगी रहती है। इनमें से कोई भी गाड़ी पर्सनली अगर आपने इस गाड़ी का रेट सुना होगा तो आपको समझ में आया कि भाई किस रेट में आपको एनडीमैक्स गाड़ी दे रही है। इंटरेस्टेड होंगे नंबर स्क्रीन पे दे दिया है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे है। यहाँ की अगर आप रील देखना चाहते हैं दोस्तों, बहुत सारी गाड़ियों का मैं लेकर आते रहता हूं, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाइए, उस पर भी 60,000 भाई लोगों ने फॉलो कर लिया है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। रोमिंग बर्ड _ इंस्टाग्राम का आपको आईडी दिख रहा होगा दोस्तों। और इनकी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।